अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अगर ठीक नहीं है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द याब करे। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है, रेमेडीज़ एंड टिप्स विद अनाया, एंड मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएंगी, और अगर नहीं आएंगी तो कोशिश है करूँगी, यही कोशिश रहेगी मेरी कि बेस्ट से बेस्ट हूँ। एक बात शेयर करना चाहूँगी, मेरे हबी ने मुझे जस्ट वॉइस में वीडियो बनाने की परमिशन दी है, और कमाल की रेमेडीज़ है मेरे पास, कमाल की रेमेडीज़, कमाल टोटके जो भी कह लो। तो असल में जब मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी थी, तब मैंने सोचा कि नेचुरल चीज़ें अगर यूज़ करें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सी क्रीम्स यूज़ की, बहुत से प्रोडक्ट यूज़ किए, महंगी से महंगी यूज़ कर ली, बट मेरी स्किन पे कोई भी असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि साइड इफ़ेक्ट के, पिंपल्स के, उसको कुछ भी असर नहीं हुआ। ब्राइटनिंग लाइटनिंग तो कुछ हुआ ही नहीं मेरी स्किन पे, कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, भूल ही जाओ ये सब। तो उसके बाद मैंने शुरू की नेचुरल चीज़ें, खुद की रेमेडीज़ घर में बनाई, घर में ट्राई की, और मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिला व्यूअर्स। अगर आप रेगुलर से यूज़ करेंगे, हम देखते हैं कि एक चीज़ लगा ली एक दफ़ा, नेचुरल चीज़ ठीक नहीं हुआ, चलो जी छोड़ो इसको, अब नहीं लगाते जी, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इससे, तो क्या लगाना। अब ऐसा नहीं होता, अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, ये आप लिख लें। मुझे भी मिला है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ कि खुद लगा लिया और कोई पूछेगा कि आपकी स्किन में इतना फ़र्क कैसे आ गया, इतनी ब्राइट कैसे हो गई, तो नहीं जी मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो कुछ यूज़ नहीं करती। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी पूछा था एक लड़की से, मेरी जानने वाली हैं, तो मैंने उससे कहा कि तू क्या यूज़ करती है यार, तेरी स्किन आजकल बड़े मज़े की हो रही है। तो कहती है, उसने मुझे एक फाउंडेशन का नाम बता दिया, तो मैंने कहा नहीं, क्रीम जो तुम रेगुलर यूज़ करती हो और मेरी स्किन इतनी मज़े की हो रही है। तो कहती है नहीं यार, कुछ भी यूज़ नहीं करती मैं तो, वो एज के साथ होता है, तो अब वो एज नहीं है, एज के साथ पिंपल्स होते थे, तो अब हमारे पिंपल्स ठीक हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो मान लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि खुद ही कुछ ट्राई करते हैं, घर में नेचुरल चीज़ें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिला है। मैं चाहती हूँ आप इसके साथ भी शेयर करूँ, एंड प्लीज़ अगर मेरी रेमेडीज़ एंड टिप्स पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और आपको बेस्ट रिज़ल्ट अगर मिले, बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिले तो मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आपको एक टिप देना चाहूँगी उन लड़कियों के लिए, टिप ख़ास जो अपना ख्याल नहीं रखती, खुद को बस काम में बिज़ी रखती हैं, बिल्कुल अपने आप पे टाइम, खुद को टाइम नहीं देती, अपने आप पे ध्यान नहीं देती। अगर आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे तो कोई भी आप पे ध्यान नहीं देगा, सबसे पहले आपके हस्बैंड। तो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको नहीं टाइम देते, आपकी तरफ नहीं देखते, ऐसा नहीं होता यार, आपकी अपनी गलती होती है, आप थोड़ा सा टाइम दो खुद को तो देखेंगे वो आपकी तरफ, आप भी खुश होंगी वो भी खुश होंगे। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जब वो घर आने वाले हो ना बिल्कुल तैयार हो जाओ। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए लेमन हाफ, अंडा एक अदद, बेसन 2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करें और 20 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करें। 20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें, और अच्छा रिजल्ट मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको रेगुलर अगर आप यूज़ करेंगे हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ये आप लिख लें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।